hello my dear children let's begin chapter number 9 of class 7 science that is motion and time the main aim of this chapter will be slow and fast motion speed uniform motion and non-uniform non -uniform motions horizontal and vertical motion measurement of speed measurement of time have a look on warm-up children गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन लीनियर मोशन कौन सा होता है जो स्ट्रेट लाइन में हो जैसे कि अ कार्ड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अ बाइसिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल सीधे चल रहे हों गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन पीरियडिक मोशन क्या होता है ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो इसमें आप लिख सकते हो मोशन ऑफ फैन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस कोई से भी आप दो एग्जाम्पल्स इसमें कोट आउट कर सकते हैं यू हैव ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन सच एस व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक और इवन द मूवमेंट ऑफ फैंस मोशन इज सीन इन डिफरेंट लिविंग बींगस लाइक मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर इंसेक्ट्स का मूवमेंट या आप एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते तो आप भी तो मूवमेंट ही कर रहे हैं एंडस और कॉक्रोचेज ऑन द ग्राउंड अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन वेन इट्स पोजिशन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रूम से निकल कर दूसरे रूम में जाते हो तो आप क्या कर रहे हो आप अपनी पोजिशन चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग के मतलब आपको यहाँ से एक रूम से दूसरे रूम में जाने में कुछ तो टाइम लगेगा तो और आपकी पोजिशन भी चेंज हो रही है विद रिलेशन टू टाइम एंड द सराउंडिंग तो इसे ही हम बोलेंगे मोशन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन कॉन्स्टेंट मोशन हर चीज जो भी है यूनिवर्स में सब चीज़ें मूव कर रही हैं बी इट प्लानट्स बी इट योर अर्थ या फिर कोई भी इंडिविजुअल है क्योंकि अगर ज़िंदगी रुक जाती है तो समझो डेथ हो जाती है तो दैट मीन्स एवरी थिंग इज इन मोशन अगर हम रुके हुए भी हैं तो भी हम मोशन में हैं क्यों क्योंकि अर्थ हर समय मूव कर रही है अर्थ इज़ मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज इट इज़ मूविंग अराउंड द सन जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं तो अगर हम स्टेशनरी भी हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अर्थ के साथ तो मूव कर ही रहे हैं द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग फॉर एग्जाम्पल वेन अ पर्सन वॉक्स और मूव सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन आपने देखा होगा जैसे कभी आपने बस से ट्रैवल किया हो या आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो बस और ट्रेन क्या है बहुत तेज स्पीड में चल रही होती हैं या कार जो है बहुत तेज स्पीड में चल रही होती है तो आपको क्या लगता है कि जितने भी पेड़ पौधे आते हैं ऐसे लगता है जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन तो में मूव करते हुए जा रहे हैं स्लो एंड फास्ट मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से अपनी पोजिशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इट इज कॉल्ड एज फास्ट मोशन और अगर हम बहुत स्लोली स्लोली अपनी पोजिशन को चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्लो मोशन ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ लार्जर डिस्टेंस इन अ फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम देन अदर ऑब्जेक्ट इट इज़ सेट टू बी फास्टर

एक एक वन ऑफ योर फ्रेंड विल मूव ऑन द फुट लेकिन दूसरा जो है वो बाइसाइकिल से पहुंचेगा तो अब आप बता सकते हो कि कौन जल्दी पहुंचेगा जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो तो ऐसा मोशन जिसमें हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज फास्ट मोशन और जिसमें हम कम डिस्टेंस कवर करते हैं इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज स्लो मोशन नाउ स्पीड वट इज स्पीड स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं यूनिट टाइम में दैट इज कॉल्ड एज स्पीड तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है बच्चों इट इज मीटर पर सेकेंड मीटर क्यों है क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर uh, करेंगे और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं इसीलिए इसकी यूनिट हो जाती है मीटर अपॉर सेकेंड नाउ एक्टिविटी वन क्लासिफिकेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट मोशन ऑफ वेरियस बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर तो आपको यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट एंड लिविंग थिंग्स टू बी स्टडीड में एरोप्लेन ट्रेन बस बाइसिकल डॉल्फिन एलिफेंट चीता डॉग स्नेल स्नेक मैन एंड क्लाउड्स अर्थ ट्रीज एक्सेट्रा तो आप यहाँ पर इनमें से क्लासीफाई करेंगे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत जल्दी चलते हैं और कौन से ऐसे हैं जो बहुत स्लो मूविंग होते हैं फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट और स्लो मोशन वेन वी लुक एट द स्काई एंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एरोप्लेन तो एरोप्लेन कैसे मूव करता है निक ऑफ सेकेंड में मूव कर जाता है मतलब वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है वहीं अगर हम बाइसिकल की बात करें तो एरोप्लेन के कंपैरिजन में बाइसिकल जो है वो बहुत ही स्लो मोशन शो करती है वी कैन से दैट बाइसिकल मूव स्लोअर दैन एरोप्लेन

और अगर हम ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो और वो भी हम बहुत ज्यादा टाइम लेके करते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो होता है स्लो मोशन द हायर द स्पीड फास्टर इज द मोशन एंड वाइस वर्सा द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल सच एज ट्रेन कार्स और एरोप्लेन इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आर डिनोटेड बाय किलोमीटर पर आर तो हम इसके सिंबल्स को यूज करते हैं के एम अपर एच एक्टिविटी टू Mark a distance of 100 meter in your school playground. Now ask four of your friends to run across this distance one by one. Measure the time taken by each of your friend to cover this distance using a stopwatch. Calculate the speed of each friend and identify the fastest and the slowest runner among them. तो ये काम तो हमारा स्कूल में भी होता है ना जब स्कूल में कॉम्पिटिशन होते हैं स्पोर्ट्स डे होता है तो मैम रेस ऑर्गेनाइज करती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे फास्ट रन करता है किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो फास्टेस्ट है और कौन सा ऐसा है जो स्लोएस्ट है फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट पर्सन हु टेक्स लीस्ट टाइम टू कवर हंड्रेड मीटर हैज़ हाइएस्ट स्पीड

नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन चिल्ड्रन कंसीडर दैट यू आर मूविंग ऑन योर बाइसिकल ऑन अ स्ट्रेट रोड और रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल खाली सड़क है तो आपका मोशन कैसा होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता जाएगा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो ऐसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं या ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्यों क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और वही अगर आपकी आप जा रहे हो बाइसिकल से और आपको जैम मिल जाए तो क्या होगा कभी आपकी बाइसिकल रुकेगी कभी आप बहुत तेजी से निकल पाओगे कभी आप बिल्कुल स्लो मूव कर पाओगे तो ऐसा मोशन जो होता है ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज वेरी रेयर टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कॉन्स्टेंट इट्स जर्नी फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई मूव एट अ Non uniform speed, a car moving at 60 km per hour may cover 60 km in 1 hour, but this does not mean that it will be moving at a constant speed of 1 km per hour minute at times. It may move faster and other times it may move slower. Therefore, in most cases, we refer to speed as average speed. इसीलिए हम जब भी रोड पे मूव करते हैं तो जो हम अपनी स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ना व्हाट इज एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन सो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जैसे कि अर्थ मूव कर रही है अराउंड सन तो ये मोशन कैसा है ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि अर्थ जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अ बॉडी इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनवल डिस्टेंसिज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल इफ अ वहीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ फाइव किलोमीटर इन फर्स्ट आवर फिफ्टीन किलोमीटर्स इन सेकेंड आवर्स एंड टेन किलोमीटर्स इन थर्ड आवर द मोशन ऑफ व्हीकल इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाउ हैवे लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन हमें यहाँ पर नुमेरिकल दिए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है ना वी यू हैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस दैट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ टू फोर्टी किलोमीटर तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस है कितना है टू फोर्टी किलोमीटर है एंड देन यू हैव टाइम टाइम आपका सिक्स आवर्स है तो अब आप क्या से स्पीड फाइंड करोगे स्पीड विल बीक्वल टू डिटेंस अपॉन टाइम दैट मींस टू फोर्टी अपॉन सिक्स आप इसको कट डाउन कर लेंगे सो यू विल गेट स्पीड विल बी फोर्टी किलोमीटर पर आवर लाइक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व योर नुमेरिकल कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर अर डिस्टेंस ऑफ फाइव फिफ्टी किलोमीटर्स द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज फिफ्टी किलोमीटर आवर तो यहाँ पर बचो आपको पास डिस्टेंस है डिस्टेंस कितना है 550 किलोमीटर नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट चिल्ड्रन एंड स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर तो अब आपको निकालना है टाइम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना है आपका दिस इज 550. और इसको आप डिवाइड कर दोगे 50 से सो so, आपका टाइम कितना आया टाइम आया इलेवन आवर्स चिल्ड्रन यू कैन कन्वर्ट दिस इन टू सेकेंड ऑल्सो वन आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड्स तो आप उसे इसको मल्टीप्लाई करके टाइम को सेकेंड्स में भी निकाल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशंट टाइम्स तो बच्चों हम जब पुराना ज़माना होता था तब वहाँ पर तो एंशंट टाइम्स में क्या था कि घड़ियाँ भी नहीं थी वॉचेस भी नहीं थे तो so, टाइम का कैसे अंदाजा लगाया जाता था तो लोग बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स थे उनके मूवमेंट को देख के लोग टाइम का अंदाजा लगाया करते थे इन एंशियन टाइम वेन वर नो क्लॉक्स द टाइम वर मेजर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज सम नेचुरल इवेंट्स रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर अ अडम इंटरवेल टू मेजर द टाइम These natural periodic events which used to occur during early times including occurrence of full moon. तो लोग क्या देखते थे कि full moon कब से लेके कब तक होता है तो उस period को वो बोलने लग गए कि it is a month. उसके बाद उन्होंने देखा कि sunrise कब होता है और sunset कब होता है तो उन्होंने कहा कि एक दिन कब होगा जब एक sunrise होगा और उसके अगले दिन फिर से sunrise होगा तो next day start हो जाएगा The day and night occurs based on the rotation of the earth. Months occurs based on the revolution of the Moon around the earth, while year occurs based on the revolution of Earth around the sun. The duration from one full moon to the next was called as month. The duration from one sunrise to another sunrise was called as the day. Over time, instruments were created to measure the time, such as sand clocks, sundials, and water clocks. Or dhire jesse jese jese manka development. उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ उन्होंने टाइम मेजर करने के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जैसे कि सैंड क्लॉक सन डायल एंड वाटर क्लॉक तो सैंड क्लॉक सैंड क्लॉक तो आपने इजीली देखी हुई है बच्चों इसमें दो ग्लास के बल्ब होते हैं जिसमें से एक में हम सैंड को फिल कर देते हैं एंड देन वी इन्वर्ट इट कि जितनी देर में सैंड फ्लो करेगी उससे हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं

ये मेजर करती है टाइम ऑन द बेसिस ऑफ शैडो ऑफ द सन द सन डायल वाज डिजाइन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शैडो फॉर्मेशन ड्यू टू सनलाइट व्हिच वेरीज़ द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई महाराजा जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम सन डायलस अ फ्यू हंड्रेड इयर्स अगो टू मेजर टाइम वन ऑफ देम इज इन जयपुर एंड अनदर वन इज इन दिल्ली एट जंतर मंतर

रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर इन द अन रेगुलेटेड फ्लो मेथड, अ बाउल मार्क्ड विद लाइन इज फिल्ड विद वाटर द फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड एंड द लाइन आर मार्क्ड टू ट्रेस द फ्लो ऑफ वाटर व्हिच इंडिकेट्स टाइम तो इनकी इसके अंदर हमने लाइन्स को ड्रॉ कर रखा था जिसमें से हम वाटर को फ्लो कराते थे और इसी के बेसिस पर हम ये देखते थे कि टाइम क्या हो रहा है सिंपल पेंडुलम चिल्ड्रन बहुत सारी वॉल क्लॉक्स आपने देखी होंगी या बहुत सारी वॉचेस देखी हैं जो कि वर्क करती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक इवेंट पीरियोडिक मोशन जो कि ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम सिमिलरली सिंपल पेंडुलम के अंदर भी बच्चों यही होता है कि इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम इसीलिए इसे हम पहले की जो क्लॉक्स होती थी उसमें हम सिंपल पेंडुलम का यूज करते थे टू मेजर टाइम नाउ हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू मेजर इन मंथ्स वीक्स और डेज राइट वाई फॉर ईयर एम फॉर मंथ डब्ल्यू फॉर वीक डी फॉर डेज अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट योर स्कूल फर्स्ट टर्म अब आपको पता है फर्स्ट टर्म जो है आपका विद इन टू और थ्री मंथ्स फिनिश हो जाता है

एक बॉल होती है यहाँ पर जो अटैच होती है थ्रू अ लेंथ और इसे ही जब हम इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इट मूव्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशंस और ये एक पीरियोडिक मोशन शो करती है नाउ हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन सैंड क्लॉक सैंड क्लॉक को हम आर ग्लास भी कहते हैं सो यू विल राइट वन इीड स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड्स टाइम टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड्स में एंड सन डायडो फॉर इट्स फंक्शन नाउ अब हम बात करते हैं पेंडुलम के बारे में तो पेंडुलम के अंदर हम एक छोटी सी बॉब को अटैच करते हैं जिसका अपना वेट होता है और उसे हम एक फिक्स एंड से स्विंग कराते हैं फ्रीली बैक एंड फ्रोट द वेट हंग इज नोन एज द बॉब ऑफ द पेंडुलम अ सिंपल पेंडुलम हैज स्मॉल वेट हंग थ्रू अ थिन पीस ऑफ स्ट्रिंग और जब हम हाँ उसको उसकी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इट बिगिनस टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजिशन इफ अ पेंडुलम इज टेकन टू पोजिशन ए एंड रिलीज इट बिगिनस टू ऑसिलेट मेकिंग सेवरल ऑसिलेशन वेन रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए इट विल कम्प्लीट वन ऑसिलेशन ये कब ऑसिलेशन कम्प्लीट करेगा जब वापस से ये ए पोजिशन पर लौटेगा

द मास ऑफ द बॉब डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड टाइम पीरियड जो है वो बॉब से अफेक्टेड नहीं होता है सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा नाउ हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन टू द दसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेंगे एक छोटा सा पत्थर लेंगे डॉ नॉब लेंगे या हैंडल एंड अ स्टॉप वॉच टेक अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ अबाउट थर्टी सेंटीमीटर इन लेंथ

कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टेड द टाइम पीरियड रिमेन कंसिस्टेंट इन ईच ट्रायल तो आप चाहे उसकी स्पीड बढ़ा लें या चाहे जैसे भी आप उसको मूव कर ले, लेकिन जो टाइम पीरियड फॉर वन आर सिलेशन है वो सेम ही रहेगा दिस एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम नाउ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर चिल्ड्रेन ये जो होते हैं ये दोनों ही डिवाइसिस हमारे व्हीकल्स में फिटेड मिलती है स्पीडोमीटर जो होती है इट हेल्प्स इन द इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है उसे मेजर करने का काम करती है स्पीडोमीटर एंड वही ओडोमीटर जो है इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको मेजर करता है ओडोमीटर स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर आर डिवाइस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स यूज टू मेजर स्पीड एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द स्पीडोमीटर डिस्प्ले स्पीड इन किलोमीटर पर आवर तो मतलब हमें स्पीड किस में पता चलती है मीटर पर सेकेंड में नहीं पता चलती हमें यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में मिलती है वाइल द ओडोमीटर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द व्हीकल्स व्हीकल्स टिपिकली हैव टू ऑडोमीटर्स यहाँ पे दो ओडोमीटर्स होते हैं एक तो वो होता है जो टोटल डिस्टेंस कितना हमने ट्रैवल किया है उसको मेजर करता है और दूसरा है जिसे हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं हैव अ लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रेन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो यहाँ हमें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनकी स्पीड दी है जिसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ से किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे यानी कि आप बिग टू स्मॉल मूव करेंगे तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल मल्टीप्लाई इट बाई थाउजेंड और आर को आपको सेकंड्स में चेंज करना है दैट मीन्स यू विल डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो तो इस आंसर्स को आप यहाँ से फाइंड करेंगे एंड देन यू विल शो इट टू योर क्लास टीचर Calculating speed. Let's learn how to calculate speed with the example of train in motion. The TGV is the world's fastest train. In one of its tests, the train traveled 96 kilometers in 8 minute What is its speed? तो बच्चों दूरी तो हमें किलोमीटर में दिया है लेकिन टाइम जो है वो हमें मिनट्स में दिया है. इसीलिए मिनट्स को हम आर्स में चेंज करेंगे. That means हम small to big move करेंगे. तो स्मॉल टू बिग हम हमेशा डिवाइड करते हैं सो वन मिनटी आवर्स से डिवाइड कर देंगे एंड देन सॉल्व इट एंड गेट दी किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ टीजे वी ट्रेन इज सेवन ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस इफ स्पीड इज गिवन इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन ट्रैवल्ड इनवन टाइम कैन भी कैलकुलेटेड फॉर एग्जाम्पल इफ राजधानी एक्सप्रेस बिटवीन डेली एंड मुंबई ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन टू आवर्स चिल्ड्रेन यहाँ पे हमें स्पीड दी हुई है और हमें टाइम भी दिया हुआ है एंड यू ऑल नो वट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम तो आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 200 किलोमीटर कैलकुलेटिंग टाइम लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन स्पीड इज नोन तो अगर हमारे पास स्पीड है लाइक दिस फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर व्हाट टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे क्या है बच्चों हमें ये याद रखना है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसे हम हमेशा सेकेंड्स में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिया है हमें डिस्टेंस दिया हुआ है हमें स्पीड दी हुई है तो आप इजिली टाइम को कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे हम टाइम को कैलकुलेट वॉट विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम इट विल बी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आपका डिस्टेंस कितना है चिल्ड्रन डिस्टेंस इज वन एटी और स्पीड कितनी है सिक्सटी यू विल डिवाइड बोथ यू गेट थ्री ईयर्स तो हमारा टाइम आता है थ्री आवर्स इसे अब आप सेकेंड्स में अगर चेंज करते हो तो यू विल मल्टीप्लाई थ्री विथ थ्री सिक्स जीरो जीरो इससे आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका जो टाइम है वो सेकेंड्स में आ जाएगा योर आंसर विल बी और का मतलब होता है टेन सेंचुरीज, मतलब थाउजेंड ईयर्स। तो मिलेनियम जो है इट कम्स आफ्टर थाउजेंड ईयर्स। देन यू हैव वन सेंचुरी सेंचुरी टेन डिकेड्स की इक्वल होती है यानी के हंड्रेड ईयर्स की इक्वल होती है वन डिकेड इज इक्वल्स टू टेन ईयर्स वन ईयर इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन डे इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स वन आवर इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड्स ना चिल्ड्रेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट का मोशन ग्राफिकली शो करना है तो हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों ही ग्राफ पे शो कर सकते हैं बाई प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम तो इस केस में टाइम को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं द शेप ऑफ ग्राफ इंडिकेट्स कि हमारा मोशन कैसा है जैसे कि हमने जब टाइम और डिस्टेंस को प्लॉट किया और हमने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो हमें शो करती है कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन अगर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है तो दैट मीन्स जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एक्टिविटी सिक्स चिल्ड्रन एम टू प्लॉट द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए ग्राफ पेपर एंड अ पेंसिल टेक द स्पीड एट विच बॉडी मूव एट टेन मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एट द एंड ऑफ वन टू एंड थ्री सेकेंड एक्सेट्रा

जो क्या शो करता है कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है नाउ अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन फिल इन द ब्लैंक्स अ वेट हंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड अ बॉब अ पेंडुलम बिगिंस टू डैश वेन पुश्ड ऑसिलेट। A dash records the distance travelled by a vehicle. This is odometer. SI unit of time is seconds. Now, have a look on Wonder Box children. Galileo Galilei, he was an Italian scientist who discovered the principle of pendulum. The keywords and the explanation of this chapter are. टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन अब ऑसिलेशन क्या होती है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय एन नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूनिफॉर्म मोशन Motion when a body covers equal distance in equal interval of time, no matter how small the time interval may be. Millennium, it is a duration of 1000 years. Non uniform motion when a body in motion covers unequal distance in equal interval of time. Now, the review zone, children. Take the correct option. First one is what is the device? डिजाइन टू टेल टाइम यूजिंग द मूवमेंट ऑफ शेडो फॉर्मड बाई सनलाइट कॉल तो इसे हम बोलते हैं सनडायल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड वेन तो टाइम पीरियड हम किसमें कैलकुलेट करते हैं बच्चों पेंड्युलम में वट इज वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पेंड्युलम कॉल इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन वन सेंचुरी सेंचुरी किसके बराबर होती है हंड्रेड इयर्स के बराबर होती है The SI unit of speed is meter per second. B part says, fill in the blanks. The SI unit of time is, children, it is seconds. A pendulum begins to dash when pushed, it begins to oscillate. Dash and dash are the devices fitted in vehicles used to measure speed and distance. ट्रेवल बाय द व्हीकल रिस्पेक्टिवली सो आप यहां पर लिखेंगे स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर आर द डिवाइसिस वन आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स चिल्ड्रेन दिस इज इक्वल टू थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और जेनरली वेकल ट्रैवलिंग ऑन अ रोड ट्रेवल्सेंट स्पीड नहीं आवर नो अगेन दिस इज फॉल्स बाय प्लॉटिंग ऑफ डाटा पॉइंट एंड कनेक्टिव टू फॉर्म लाइन येरी लार्ज यूनिट ऑफ टाइम बिल्कुल सेंचुरी और मिलेनियम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है नेम द फॉलोइंग मोशन ऑफ अ बॉडी वेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन आप यहां पे यूनिफॉर्म मोशन लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम दिस इज कॉल्ड एज स्पीड डिवाइस दैट रिकॉर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेहीकल इसे हम बोलते हैं Odometer. Time taken to complete one oscillation. This is called as time period. Duration of 1000 years. This is called as millennium. Like this, you are going to complete this page, children. With this, we have come to the end of this chapter. I hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.